वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन एलएलटीसी पंडवा। आज से हम फिजिक्स का कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यू तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो बोर्ड के व्यू से भी और ऐसे कंपटीशन के व्यू से भी। जैसा कि जानते हैं कि बोर्ड में टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे थ्योरी में पूछा जाता है और उसमें 23 मार्क्स आपको लाना पड़ता है पास होने के लिए। और टोटल 70 मार्क्स में ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप समझ सकते हैं कि 70 में 14 नंबर का क्वेश्चन केवल ऑप्टिक्स से आता है। तो ऑप्टिक्स हम लोग को अच्छे तरह से समझना, उसका पर आधारित क्वेश्चन करना और बहुत सारे चीज़ों जिससे बहुत सारे थ्योरी वगैरह को अच्छे ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को ये सब पॉइंट को ध्यान में रखकर आज से हम लोग फिजिक्स का कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं, हम लोग हेडिंग ला लेते हैं। तो ऑप्टिक्स के चैप्टर में हम लोग बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, उसमें से मैकेनिक्स है, जिसके बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि मैकेनिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो मोशन के बारे में हमें बताता है। उस तरह से थर्मोडायनामिक्स भी एक ब्रांच है जिसमें हीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरह से ऑप्टिक्स भी एक ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स के बारे में हम ये बोलेंगे कि ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द लाइट। तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट। तो ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट द लाइट। हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो भी अपने चारों तरफ देख पाते हैं वो लाइट की वजह से। हम अपने चारों तरफ नदियाँ, पहाड़े, पेड़ पौधे, स्कूल, कॉलेज वगैरह बहुत सारे चीज़ देखते हैं, वो सब पॉसिबल हो पाता है ड्यू टू लाइट। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज़ को देख ना सकते हैं। हम जैसे लाइट को देखने के लिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट आवश्यक है। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी आँखें अच्छी है तो हम सब चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। हमारी आँखों अच्छी होने के साथ साथ वहाँ लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ही अंधेरा हो और हमें कुछ देख हमें वहाँ पास कुछ देखने की कोशिश करें तो हम नहीं देख पाएंगे, और यदि वहाँ पास एक कैंडल, लैंप वगैरह कुछ जला ले तो हम वहाँ पास देख सकते हैं। इसका मतलब लाइट के हेल्प से ही हम कुछ भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो लाइट एक बड़ा इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और लाइट है क्या? तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और लाइट इसके परपेंडिकुलर प्रोपागेट करता है। तो लाइट में कुछ एनर्जी है और यह एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में उसमें स्टोर रहता है। तो लाइट जैसा कि हम लोग अभी देखें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
तो इसमें एनर्जी है। तो ऑप्टिक्स जो ब्रांच है उसको आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग इसको लिखते हैं, तो ऑप्टिक्स हैज टू ब्रांचेज, रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का दो ब्रांच हो जाता है, एक रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। तो आखिर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को अलग करने का कारण क्या है, या इन दोनों में फर्क क्या है? तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग, जैसा कि अभी हमने बोला कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग लाइट के वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर को कंसिडर करके चलते हैं। तो हम लोग के नेचर में बहुत सारे ऐसे फेनोमेनन हैं जिसको एक्सप्लानेशन करने के लिए लाइट को वेव मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सीधे सीधे हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सभी फेनोमेना हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का इमेज मिरर में दिखता है। उसी तरह से जब किसी बाल्टी में सिक्का रखा हो और उसमें पानी भरा हो तो सिक्का थोड़ा ऊपर दिखता है, जब किसी ग्लास में पानी भरा हो और उसमें पेंसिल रख दे थोड़ा ऑब्लिक करके तिरछा करके, तो वहाँ पास पेंसिल थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है। तारों का टिमटिमाना, प्रिज्म से जब लाइट पास करता है तो सात रंगों में टूट जाता है। ये सभी फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को वेव मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सभी फेनोमेनन को हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, जबकि कुछ वैसे फेनोमेनन है जिसमें से आपका इंटरफ्रेंस होता है, डिफ्रेक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, वो सभी फेनोमेनन को पढ़ने के लिए हमें लाइट को वेव मानने की आवश्यकता होता है। जिस मतलब हम बिना लाइट को वेव माने हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इंटरफ्रेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन ये सभी वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, जबकि लाइट का रिफ्लेक्शन, रिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ये सभी फेनोमेनन हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग इसके बाद हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन करेंगे। हम लोग अब रे ऑप्टिक्स को डिफाइन करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम ऐसे लिख सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इन रे ऑप्टिक्स वी नेग्लेक्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब रे ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट का वेव नेचर ख़त्म हो गया, उसका होता नहीं, होता है, बट जो भी फेनोमेनन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को वेव मानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो इन वेव ऑप्टिक्स वी कंसिडर द वेव
नेचर ऑफ लाइट। तो वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर को कंसिडर करते हैं। तो ऑप्टिक्स में दो मेजर पोर्शन हो गया, एक रे ऑप्टिक्स और वेव वेव ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी में रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले रे ऑप्टिक्स, और उसके बाद ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग अब शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। हालांकि एनसीईआरटी में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम है, ये एनसीईआरटी पार्ट सेकेंड का चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, देख पाते हैं, वो लाइट की वजह से है। तो इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो लाइट इज इससे पहले लाइट का एक और पॉइंट है उसको पहले लिख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। इसलिए लाइट का स्पीड भी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद जो लाइट का जो वेवलेंथ का जो रेंज है, द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। मतलब जो लाइट है, लाइट को विजुअल लाइट भी आप बोल सकते हैं, उसका जो वेवलेंथ का जो रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक है। मतलब हम इन्हीं रेंज के बीच लाइट जब आएगा तो हम उसको देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाए जो 750 नैनोमीटर से उसका वेवलेंथ ज़्यादा हो तो हम उसको देख नहीं सकते हैं, और 400 नैनोमीटर से अगर कम हो जाए तब पर भी हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके
वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट का स्पीड वैक्यूम में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जो रेंज होता है लाइट का वो होता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। इसके बाद कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे, उसके बाद लाइट के बारे में टोटल बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला एक पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट हम लोग उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिससे लाइट पास कर जाता है, मतलब लाइट उससे पास कर जाएगा, हम लोग उस सब्सटेंस कि आगे पीछे देख सकते हैं। जैसे अगर एक ग्लास है तो लाइट ग्लास को पास कर जाता है, उसी तरह से अगर बाल्टी में क्लीन वाटर रखा हुआ है और बाल्टी में अंदर एक क्वाइंट है तो हम वाटर से लाइट पास करके उस क्वाइंट तक पहुंच जाएगा और हमें वो क्वाइंट दिखेगा, मतलब क्लीन वाटर से लाइट पास कर सकता है। उस टाइप से एयर है, एयर से भी लाइट पास कर सकता है। तो वैसा कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट पास कर सकता है उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग ओपेक पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाता है उसको ओपेक बोलते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे लाइट पार्शियली पास करता है उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट हम लोग डिफाइन करेंगे कि द सब्सटेंस, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास क्लीन वाटर एयर इटीसी। तो हम लोग अब दूसरा हेडिंग देते हैं, उसमें से ओपेक। तो ओपेक हम लोग उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके थ्रू लाइट पास नहीं कर सकता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर हम स्टोन आ गया तो स्टोन के उस पार क्या है उसको हम नहीं देख सकते हैं। उसी तरह से कोई दीवार आ गया मिट्टी का चाहे सीमेंटेड वाल, उसके उस पार क्या है इस हम नहीं देख सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिससे लाइट पास नहीं कर सकता है उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं। तो हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं कि द सब्सटेंस, द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट cannot pass is called opaque. For example, stone cemented wall etc. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास करेगा, ना तो कम्प्लीटली, ना तो उसको कम्प्लीटली, ना वो सब्सटेंस लाइट को रोकता है ना तो कम्प्लीटली जाने देता है, उसमें लाइट पार्शियली जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट
कैन पार्शियली पास इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. फॉर एग्जाम्पल रफ्ड ग्लास ऑयली पेपर अगर कोई ग्लास है तो केवल ग्लास की बात करेंगे तो ट्रांसपेरेंट आएगा, लेकिन उसमें रब्ड हो गया, कहीं घिस गया, स्क्रेच आ गया तो लाइट उसमें कम्प्लीटली नहीं पास कर पाता है, पार्शियली पास करता है. तो रब्ड ग्लास एक ट्रांसलूसेंट हो जाएगा. ऑयली पेपर, मान लीजिए पेपर है वो ऑयली अभी नहीं है तो लाइट उसमें पास नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ऑयली हो जाएगा उसमें कोई ऑयल वगैरह गिर गया तो लाइट उसमें पार्शियली पास करता है, थोड़ा थोड़ा पास करता है, तो वो भी ट्रांसलूसेंट का एक एग्जाम्पल बन जाएगा, ऑयली पेपर और रब्ड ग्लास. इसके बाद हम लोग मतलब जैसे अभी तीन सब्सटेंस को हम लोग डिफाइन कर लिए, ट्रांसपेरेंट जिसको हिंदी में हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, और ओपेक जिसको अपारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट जिसको पारभाषी, जिसके बारे में आप लोग पहले ही पढ़े होंगे. तो ट्रांसपेरेंट से लाइट पास करता है, ओपेक से लाइट पास नहीं करता है, और ट्रांसलूसेंट से लाइट पार्शियली पास करता है. इन तीनों को डिफिनेशन लेने के बाद अब हम लोग लाइट का जो चलने का जो रास्ता है उसको डिफाइन करेंगे, डेट इज रे ऑफ लाइट. तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे रे ऑफ लाइट. तो कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट निकल रहा है, डेट इज वो सोर्स ऑफ लाइट है. तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पास हम सन का एग्जांपल लेते हैं, तो सन से लाइट निकल रहा है तो लाइट हर डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ लाइट यहाँ से निकल रहा है. तो लाइट का ये जो आगे चलने का जो डायरेक्शन है इसी को बोलते हैं रे ऑफ लाइट. तो रे ऑफ लाइट ये रिप्रेजेंट करता है लाइट के चलने का डायरेक्शन. तो रे ऑफ लाइट को हम बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट. या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द पाथ ऑफ लाइट. तो लाइट का चलने का ये रास्ता बताता है कि लाइट अगर इधर जा रहा है तो हम लोग इसको इसको रे बोलेंगे, लाइट अगर इधर चल रहा है तो इसको भी रे बोलेंगे, इधर चल रहा है तो इसको भी रे बोलेंगे. तो लाइट जिस डायरेक्शन में बोलता है चलता है उसको बोलते हैं रे. तो लाइट सभी डायरेक्शन से निकल रहा है तो ये सभी को हम लोग रे बोलेंगे. तो ये सभी रे है, उनमें से इसको हम नाम देते हैं रे. तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही रे है, ये जितने भी दिख रहा है वो सभी रे कहलाएंगे. ये हो जाएगा रे ऑफ लाइट, या केवल रे भी बोलते हैं, रे ऑफ लाइट. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट एक जगह पर आ जाए तो उसको बोला जाता है लाइट बीम. तो उसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग लाइट बीम. तो हो जाएगा अ बंडल ऑफ लाइट रेज फॉर्म लाइट बीम. मतलब बहुत सारे लाइट का जो रेज होता है उसका जो बंडल होता है उसको सब पूरा ग्रुप जो समूह जो होता है वो फॉर्म करता है लाइट बीम. मतलब यहाँ पास मान लीजिए कि बहुत सारे रेज जो हैं वो इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं,
इन सब को मिलाकर हम लोग बोलेंगे कि हो गया लाइट बीम। लाइट बीम तो रे ऑफ लाइट कहने का मतलब कि लाइट का एक सिंगल चलने का रास्ता रे, लेकिन बहुत सारे रेज अगर ग्रुप में चल रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइट बीम। अब हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, इमेज। तो इमेज के बारे में समझते हैं कि इमेज होता क्या है। तो क्या होता है कि जब भी हम लोग मिरर, जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिरर, प्लेन मिरर, उसके सामने अगर खड़े हो जाते हैं तो हम ही लोग के, मतलब हमारे जैसा ही मिरर में एक और कोई दिखता है। तो जो मिरर के अंदर जो दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि वह हमारा इमेज है। तो हम जब मिरर के सामने खड़े हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट हैं, और मिरर के अंदर जो लग रहा है कि मिरर के अंदर हमारी जैसा है कोई और है, तो उसको बोला जाता है इमेज। तो इमेज बनता कैसे है, तो ये जब भी रेज कहीं पर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो वहाँ पर बनता है इमेज। तो चूँकि ये रेज कहीं मिलते भी हैं वहाँ भी इमेज बन जाता है, और कहीं मिलते हुए प्रतीत होते हैं वहाँ भी इमेज बन जाता है। तो इस तरह से इमेज का दो टाइप बन जाता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज उसको बोलते हैं जहाँ पास रेज रियल में ही मिलते हैं, और वर्चुअल इमेज वहाँ बनता है जहाँ पास रेज मिलते हुए अपीयर होते हैं। तो हम लोग पहले इमेज को डिफाइन करेंगे। तो इमेज is formed at a point at which light rays are actually meet मैंने वास्तव में मिलते हैं, और appear to meet मतलब मिलते हुए प्रतीत होते हैं, after reflection और refraction ऑफ लाइट, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब रेज मिलते हैं वास्तव में या मिलते हुए अपीयर होते हैं तो वहाँ बनता है इमेज। तो यहाँ पास इमेज का दो टाइप बन जाएगा, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे रियल इमेज बनता है और कैसे वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन सबसे पहले ये, चूँकि इमेज हम लोग समझ गए कि जहाँ पास रेज मिलते हैं या मिलते हुए अपीयर होते हैं, तो इमेज का दो टाइप होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट रियल इमेज एंड सेकेंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और वर्चुअल इमेज का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पर रेज रियल में मिलते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब जहाँ पर रेज मिलते नहीं हैं, हम एक कल्पना करते हैं कि रेज वहाँ पर मिल रहा होगा। अब इन दोनों को हम लोग डिफाइन करने के साथ साथ दोनों के बीच डिफरेंस भी होता है, तो हम दोनों का डिफिनेशन और दोनों के बीच डिफरेंस, दोनों को एक ही साथ हम लोग उसको डिफरेंस के रूप में लिखते हैं। ये हम लोग डिफरेंस अब पढ़ेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच जो तीन डिफरेंस हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो उसमें से पहला जो डिफरेंस है वो दोनों का डिफिनेशन है। तो इसमें है, इट इज़ फॉर्म्ड एट अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज आर एक्चुअली मीट, या वहाँ बनता है जहाँ पास लाइट रेज जो होता है वो वास्तव में मिलते हैं। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है
मिलते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है वो आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि रिफ्लेक्शन का मतलब परावर्तन होता है, कि ये मतलब अगर कोई सरफेस है ऐसे और लाइट यहाँ पर आया और यहाँ से टकरा कर ऐसे इसी मीडियम रिटर्न हो गया तो होता है रिफ्लेक्शन। और यदि कोई लाइट एक मीडियम वन है और ये मीडियम टू है और लाइट एक मीडियम से आया और ये दूसरे मीडियम में चला गया तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो इमेज बनने की बात होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ऐसे नहीं कि केवल रेज मिल जाए वहाँ पर इमेज नहीं बनेगा, उसके लिए कंडीशन है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए या तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ वास्तव में मिलते हैं वहाँ पर रियल इमेज बनेगा, और जहाँ पास रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज मिलते हुए अपीयर होंगे वहाँ पास बनेगा वर्चुअल इमेज। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि इट इज इन्वर्टेड। जब रियल इमेज बनता है तो वह इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। ये हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ अच्छे ढंग से समझेंगे कि उल्टा क्यों बन पाता है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है जबकि वर्चुअल इमेज होता है वह इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, जैसा कि ये तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग मिरर देखते हैं, जो घर में हम लोग का मिरर होता है उसमें अपना इमेज देखते हैं, तो हम लोग जैसे खड़े हैं वैसे ही इमेज भी खड़ा रहता है, मतलब वो सीधा बनता है। और थर्ड जो डिफरेंस है, इट कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। चूँकि रियल इमेज है मतलब सच में वहाँ पास इमेज बना है, इसलिए वहाँ पास यदि हम कोई स्क्रीन रखेंगे तो वह इमेज पर्दा पर भी आ जाएगा, तो इट कैन बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। बट जो वर्चुअल इमेज है इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, चूँकि वह वहाँ पास इमेज है ही नहीं, वो हम लोग का कल्पना है, वो हम लोग मान रहे हैं कि वहाँ पास बन रहा है जबकि रियल में वहाँ पास नहीं है, इसलिए वहाँ पास स्क्रीन भी अगर रखेंगे तो वह स्क्रीन पर वो इमेज नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। अब रियल और वर्चुअल इमेज को थोड़ा सा समझने के लिए जस्ट एक डायग्राम है जहाँ से आप थोड़ा सा आप समझ पाएंगे कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कैसे बनता है। तो यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट मानिए जो कि इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ से रेज ऐसे आ रहा है। दो रेज हम लिए हैं, एक ये और एक ये, ये दोनों रेज यहाँ पास इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट है वहाँ से आ रहा है, तो ये रेज ऐसे आया मिरर से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। ये रेज भी इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से आ रहा है, यहाँ से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये दोनों रेज हम लोग देखेंगे कि ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज है। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पास मिल रहा है, अब चूँकि रिफ्लेक्टेड रेज है और वास्तव में मिल रहा है इसलिए यहाँ पास एक इमेज बनेगा और वह इमेज होगा रियल इमेज। जबकि यहाँ पास जो है कि एक हम मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए, यहाँ पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, मिरर के जस्ट सामने है, तो यहाँ से दो रेज निकला। अब ये जो रेज है यहाँ पास गया मिरर के पास और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रेज ऐसे गया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये देखिए है रिफ्लेक्टेड रे और ये भी है रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दोनों रे देख रहे हैं कि आगे बढ़ते जाएगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, जबकि इसको हम पीछे की ओर सोचें तो यहाँ पास इधर की ओर आगे इधर की ओर बढ़ाएं तो ये पीछे जाएगा, तो इनके बीच जो दूरी है वो कम हो रहा है, तो ये पीछे की ओर बढ़ाते जाए तो ये हमें लगेगा कि कहीं पास एक जगह से आ रहा है, जबकि वो हम लोग का कल्पना है, वो हम लोग मान रहे हैं रियल में तो रेज इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये दोनों रेज कहीं पास मिलते हुए अपीयर हो रहा है, इसलिए यहाँ भी एक इमेज बनेगा चूँकि ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो यहाँ पास भी एक इमेज बनेगा और वह इमेज होगा वर्चुअल इमेज चूँकि रेज यहाँ पास मिलते हुए अपीयर हो रहा है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में और